ओके दा नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांत। स्वागत है आपका इस सेशन में। और अब बॉस 5 दिन बचे हैं अप्रोक्सीमेटली। सो आज का दिन अगर मैं छोड़ देता हूं तो 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, सो 5 डेज है अपने पास। सिस्टमैटिकली इसको प्लान करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि बॉस इस बार SCMP में एग्जेम्पशन पार। तो क्या करना है, कैसे रखनी है स्ट्रेटेजी, सर मैराथन का क्या सीन है, और आप लोग के लिए देखो ये कुछ स्पेशल चीज लाया हूं वो मैं आपको बता दूंगा। सो ऑल ऑफ दैट इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। एंड तक बने रहिएगा। मैराथन में आप लोग के भी कुछ मैं सजेशंस लेने वाला हूं, बट वो एंड में, पहले उसके पहले कुछ 2-5 मिनट का अपन डिस्कशन कर लेते हैं एज रिगार्ड स्ट्रैटेजी। उसके पहले आप लोग को एक बात बता दूं कि ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन नाउ। दूसरा, कुछ मेरे ही स्टूडेंट्स भी है जो यार मैं कितनी सारी चीजें डाल देता हूँ यूट्यूब पे और फिर पूछते सर आपने ये चीज डाली नहीं, एंड मैं बोलता हूँ अरे भाई ये देख लिंक है डाला है, ओ सर हमारे को शायद नोटिफिकेशन नहीं है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, एट द सेम टाइम बेल आइकन भी बजा दो। आने वाले 7 दिन बहुत सारे अपडेट्स आएंगे मेरे एंड से एंड यू शुड नॉट मिस इवन अ सिंगल वन ऑफ देम, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर दैट एंड लाइक द वीडियोज। अगर आप लाइक करते हो सो द होल बेनिफिट टू यू इज दैट मेरे कनेक्टेड और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो By default, algorithm of YouTube will play that. So, वो भी आप लोग के लिए helpful होगा. So, please do these two things on priority. कर लेना भाई. आप बोलोगे सर आपका फायदा है. हाँ भाई है, तुम्हारा भी है. चलो इधर. तो मैंने तो monetization off किया है, तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है such. But ठीक है, it's okay. Joking. Now, आ जाओ यहाँ पे. 5 days to go. क्या planning रहना चाहिए? तो मैंने 11 chapters है, उनको divide किया है 3 parts में. Big chapters, मीडियम चैप्टर्स, स्मॉल चैप्टर्स। कौन से मेरे ये बिग चैप्टर्स? परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लीन सिस्टम। मीडियम में मेरे हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है, डिसीजन मेकिंग है एंड प्राइसिंग पॉलिसी है। एंड लास्ट में है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटरी एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। तो मैंने क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज मुझे चाहिए कि ये जो 5 दिन है उसको आप बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करो। एंड उसमें अब अपन क्या करने वाले, सो जैसा मैंने बोला कल से आप लोग के पास 5 दिन बचते हैं, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th को एग्जाम है। सो वो 11th का भी दिन बफर है एज सच आप लोग के लिए, जो बैकलॉग आप लोग का बच जाएगा। नाउ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट को एक दिन पे ले लो ब्लॉक एंड डन। सेकेंड डे ट्रांसफर प्राइसिंग CMT, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्राइसिंग पॉलिसी, लीन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट में ये 5th जो है ना, 5th डे पे ये मैंने ना मिसलेनियस सिंपल वाले चैप्टर्स रखे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ये 4 दिन का कुछ बैकलॉग बचेगा तो 5th डे पे थोड़ा वो जाएगा एंड 5th डे के जो चैप्टर्स है थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो भी मैनेजेबल है बिकॉज छोटे है एंड वो खाली रिविजन लेक्चर्स भी देख लोगे उसके तो भी यू विल बी सिक्योर, कोई टेंशन नहीं है। बट सर ये बजटरी तो सर लास्ट टाइम कितना ज्यादा वेटेज के लिए आया था कोई ना नहीं है, बट इट वॉज मैनेजेबल अगर आपने किया था तो। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने बजटरी को छोड़ ही दिया था, दैट क्रिएटेड द प्रॉब्लम। एंड इसके लिए मैं बोलता हूं कि मैराथन में ये सब चीजें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। लास्ट टाइम कोइंसिडेंटली मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी जो 60 मार्क्स का आया था November 22 एग्जाम में दोनों करवाया था। अगेन एज आई सेड इट्स कोइंसिडेंस एंड ये बार भी मैं चाहता हूं मैं जो करवाऊं वो आए, मे कम मे नॉट कम, ICAI है कुछ, किसी के चीज के लिए कंफर्म बोल नहीं सकते, बट अपन ट्राई करते हैं। तो वैसा सिनारियो है। अब कैसे इनको वर्कआउट करना है, कैसे ये सर 2 बड़े बड़े चैप्टर्स एवरीडे आपने दिए तो है, कैसे हम इनको कर सकते हैं? तो उसके लिए है आप लोग का ये स्ट्रैटेजी। सो मैंने थ्योरी का एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल का, हर एक चैप्टर के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जितने मेन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स है और उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स है सारा करवा दिया है। यूट्यूब पे आप लोग को सब चीज मिलेगा और उसी के लिए ये जो मैंने PDF बनाया है ये अगेन टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। आपको यहाँ पे खाली क्लिक करना है, ऐसे प्रेस करना है एंड ओपन हो जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रैक्टिकल रिवीजन सीरीज। वैसे ही मैं थ्योरी का भी डाल दूंगा, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक एंड प्ले। बट मुझे आप लोग की तरफ से चाहिए एक बहुत हार्ड कोर डिसिप्लिन। आने वाले 15 डेज प्लीज एक प्रॉमिस कर दो, एक कमेंट करके प्रॉमिस कर दो दैट आई विल नॉट डू एनी टाइम पास फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। यस यार, अब अगर ये 15 दिन भी इतना डिसिप्लिन एकदम हार्डकोर वाला नहीं रख सकते देन आप क्या डिजर्व करते हो आप खुद समझ सकते हो। सो प्लीज इसीलिए मैं बोलो मैनिफेस्ट ही करके लिख दो कमेंट पे दैट यस आई विल फोकस फुल ऑन माय एग्जामिनेशंस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज एंड 0 टाइम पास, नो टाइम पास एट ऑल, ओनली फोकस लेक्चर्स पे, नोट्स पे, बुक्स के ऊपर, उसी चीज के ऊपर रहना चाहिए। एंड आई एम श्योर फिर आप लोग के लिए ये जर्नी आराम से स्मूथली हो जाएगी। हमने किया है, हम भी एवरेज स्टूडेंट्स थे, डेफिनेटली आप
और अच्छे हो, डेफिनेटली आप उसको क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिसन टू द थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चैप्टर्स, जो भी जैसा मैंने आपको बताया 1.75 की स्पीड पे देख, वो तो आप लोग करते ही हो। सो अप्रोक्सीमेटली अगर सब मिला के, थ्योरी का 1.5-2 आवर्स का है, प्रैक्टिकल का 3 आवर्स का लेक्चर है, तो 5-6 घंटे का भी लेक्चर हुआ मैक्सिमम, तो 2-3 घंटे में हो जाएगा ऐसे ही 2 चैप्टर के, रोज देखो। दूसरा, मॉर्निंग 5:30 AM आपकी जर्नी स्टार्ट हो जानी चाहिए अब से, एंड रात को 11 बजे तक वो जर्नी चलनी चाहिए। देखो मैं सुबह उठने वाला हूं, इसके लिए मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, रात वाले अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सो मॉर्निंग 5:30 AM to 11 PM कैसे आप अपने आप को प्लान कर रहे हो वो देखो। सो 5:30 to 10:30 में वो जो एक 5 आवर्स का स्लॉट है, उसमें मेरे हिसाब से ये दोनों चैप्टर का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रिविजन सुन लो, सॉर्टेड हो जाएगा। मतलब आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, सारे मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने करवा दिए वो भी चीज याद आ जाएगा, मतलब सॉर्टेड। फिर बाद में आप लोग को जो बाकी का पूरा दिन बचता है ना, वो आप लोग को एक रिलीफ वाला रहेगा, मतलब करने में मजा आएगा आगे का, कि भाई चलो अब मैजिक बुक के कुछ क्वेश्चन करना है, ऑप्टिमाइज के मॉड्यूल के, आपका और कोई भी बुक होगी आपके पास उससे आपको करना है, इंपॉर्टेंट सम्स थ्योरी डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अपने पास पूरा दिन है, वी विल बी एबल टू डू। केस स्टडी डाइजेस्ट भी मैनेज हो जाएगी, एटलीस्ट उसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट केस स्टडीज मार्क की है उतना तो अपन आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगेन देखो, सिस्टम मैंने सेट करके आपको बता दिया, फॉलो कितना आप अच्छी तरह से करते हो, कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, इज गोइंग टू डिसाइड योर पासिंग एंड योर नॉट पासिंग। सो आई होप वी विल इंश्योर वॉट मैं अभी आपको बता रहा हूं उसको अपन लोग एकदम सिस्टमैटिकली फॉलो करते जाएंगे, ठीक है ना। चलो डन है। सो इस हिसाब से अपन स्ट्रैटेजी रखेंगे। मैराथन सर, मैराथन में अब मुझे आप लोग से सजेशन चाहिए, तो कब रखना है? मैंने सोचा 9 मई को 7 PM। बहुत सारे ग्रुप 2 ओनली वाले स्टूडेंट्स बोल रहे सर पहले रख लो, यू कैन गिव योर सजेशन इन कमेंट्स, बट मेरा मानना है कि यार लॉ वाले भी है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले भी है, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। एंड सेकेंड इज कवरेज, लास्ट टाइम भी मैंने काफी कुछ कवरेज करने की जरूरत कोशिश की थी, इस बार भी मैक्सिमम जितना हो सकता है मैं करूंगा। देखो मैं करवाता हूं तो थोड़ा सिस्टमेटिकली करवाता हूं, तो कम चैप्टर हो पाएंगे, बहुत सब मैं करवा पाऊँ ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बट जितना करवाएंगे उतना अच्छी तरह से हो जाएगा। सो मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग स्टैंडर्ड डिसीजन मेकिंग और भी जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं करवाऊंगा ऐसा मैंने सोचा है, बट यहाँ पे मुझे आप लोग की तरफ से सजेशंस चाहिए। सो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, प्लीज शेयर योर कमेंट्स के आप लोग को क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, आई विल गो थ्रू दैट। बाकी मैं तो मेरा दिमाग लगाऊंगा ही, एंड उस हिसाब से मैं फाइनली मेरा डिसीजन आप लोग को बता दूंगा। सो ऑल इन ऑल दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, आई थिंक करेंगे अपन लोग प्रॉपरली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एंड वी विल रॉक इट दिस टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें जैसा मैंने बोला शेयर कर दूंगा, एंड लुक्स गुड, ठीक है। तो बाकी कमेंट आप लोग कर रहे हैं कि येस आई विल नॉट डू एनी टाइम पास एंड आई विल फोकस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। दूसरा आप मुझे बता रहे हैं कवरेज आपके हिसाब से मैराथन में क्या होना चाहिए, आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर सजेशंस। तीसरा, ये मॉर्निंग वाला स्ट्रेटेजी आप फॉलो करने वाले हैं एंड वो कैसा चल रहा है वो भी बताते रहना, सो इट इज गुड फॉर यू एंड मी, एंड ये एक एक पैक के हिसाब से आप इसको फॉलो करो। इट विल बी अगेन जो 5 डेज चैलेंज है उसमें 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन फिर बाद में लास्ट का जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, अगला एक दिन 11th का बचेगा, उसमें बैकलॉग कर सकते हो या वापस से रिवीजन करने के लिए आप लोग के पास टाइम है थोड़ा, तो उस दिन मॉर्निंग में जो जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगते हैं उसका रिवीजन कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलो टाइम फॉर मी टू से आस्ता ला विस्ता गाइस, पॉजिटिविटी के साथ करना है ये बार अपने को एग्जाम प्लान, एंड अच्छी तरह से क्लियर करना है, ठीक है। चलो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ओनली फोकस ऑन स्टडीज, बाकी सारे टेंशन फिलहाल के लिए साइड पे रख दो, एग्जाम के बाद वापस से रिविजिट करेंगे, एग्जाम के बाद वापस से मिलेंगे और हंसते खेलते चीजों को मैनेज करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, एनीथिंग एल्स लेट मी नो, थैंक यू।